Hello everyone, my name is Chandan Sanwal and I am the founder of Webilla Internet Services Private Limited, which is the parent company of Chandigarh Bite, Social Watch, Kelly India and many other brands as well. So I started back in 2011 जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था विद ब्लॉगिंग. हम गूगल पे वेबसाइट बनाते थे, उनको रैंक करते थे, एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करते थे. तो वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जब वो चीज़ें अच्छी चलने लगी तो 2016 में मुझे एक आइडिया आया कि बैक टू सोसाइटी वाला कुछ करना चाहिए. तो वहाँ से हमने अपना सेकंड जो लॉन्च किया चंडीगढ़ बाइट्स, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई कि मैं लोकल चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और मुझे ही नहीं पता शहर में क्या हो रहा है, बेस्ट गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे, स्ट्रीट फूड कहाँ मिलेगा, कुर्ता पजामा स्टिच करवाना है तो बेस्ट टेलर कहाँ मिलेगा. तो इस थॉट प्रोसेस के साथ चंडीगढ़ बाइट्स की शुरुआत हुई 2016 में. एंड इन 2016-17 ही ई कॉमर्स का बूम भी चल रहा था, तो उसी टाइम हम लोगों ने चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने स्टार्ट किए एंड स्लोली ई कॉमर्स में हम पूरा इंडल्ज हो गए और हमारे खुद के भी बहुत सारे ई कॉमर्स वेंचर्स हैं, ब्रांड्स हैं. एंड देन 2019 के आसपास हमें रियलाइज़ हुआ जब बहुत सारे लोग हमें कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि सर्विसेज के लिए कि आप हमारे लिए ये चीज़ें कीजिए, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया. तो वहाँ से पर्टिकुलरली हमारी एक डिफरेंट एंटिटी हमने स्टार्ट की विच इज सोशल वॉच और वो प्रॉपरली अब अलग से चल रही है. तो ऐसे हमारे मल्टीपल ब्रांड्स साथ साथ चल रहे हैं. सो बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड कहा जाता है कि इंजीनियर आलू की तरह होते हैं जो कहीं भी फिट हो जाते हैं, किसी भी सब्जी में भी फिट हो जाते हैं और किसी इंडस्ट्री में भी फिट हो जाते हैं. तो वैसे ही पूरी शुरुआत हुई हमारी सोशल वॉच में. हम बेसिकली क्लाइंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जितने भी क्लाइंट्स को आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लाइक ब्रांडिंग हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गया, कंटेंट क्रिएशन आ गया, तो इस टाइप की सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उनके लिए. प्रॉपरली आइडिएशन से लेके एग्जीक्यूशन तक का ए टू जी सारा कुछ हमारी टीम इन हाउस बिल्डअप करती है, बनाती है एंड देन उस पर आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं. एंड सेकेंड वन चंडीगढ़ बाइट्स. चंडीगढ़ बाइट्स हमारा मेन आप कह सकते हैं बेबी ब्रांड है जो 2016 में स्टार्ट हुआ था, जहां हम व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड ट्राई सिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को एक इंगेजिंग वे में, फनी वे में भी, इंफॉर्मेटिव वे में भी. और साथ ही साथ अगर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको अगर ट्राई सिटी लेवल पर अपने आप को प्रमोट करवाना है तो वो हम प्रमोट करते हैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से और अगेन बिल्कुल ही सटल तरीके से, जहां वो प्रमोशन ना लगे और लोगों के लिए भी एक यूज़र के लिए भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बने. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा कैली इंडिया भी हमारा एक फीमेल वॉच ब्रांड है जहां सारे के सारे आप लेटेस्ट डिज़ाइन वॉचेस के देख सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ही ब्रांड है, ऑफलाइन कुछ नहीं है, ज्वेलरीज एंड वॉचेस. तो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कुछ भी ओवरनाइट अचीव नहीं किया है. 2011 में जब कॉलेज में था तो कॉलेज के ड्यूरेशन में ही ये सारे आइडिएशन आए कि कुछ डिफरेंट करते हैं. इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के साथ साथ आईटी फील्ड में एंटर हुआ, ब्लॉगिंग की, डिजिटल मार्केटिंग सीखी एंड ये सब करते करते काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी अप्रोच किया. यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में वहाँ जाके वर्कशॉप दी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर. इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी अप्रोच किया, वहाँ भी मैंने सेमिनार दिया सेम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग. एंड बेस्ट लाइफस्टाइल अवार्ड भी हमें मिल चुका है, बिग इम्पैक्ट अवार्ड भी हमें मिल चुका है. तो बहुत मेहनत लगी सब कुछ बिल्डअप करने में. प्रॉपरली जो भी कंटेंट बनता है या आप लोग देखते भी हैं उसके पीछे रिसर्च होती है, क्रॉस चेक होता है, फैक्ट चेक किए जाते हैं कि क्या वो सही भी है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ चले जाए. तो उस चीज़ का एक डर भी लगता है क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और पूरी टीम में वो हमारी है. एंड इसके साथ साथ जो हमारा बाकी कॉन्टेंट भी अभी बिल्डअप हो रहा है, रिसेंटली हमने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है जहाँ पर हम डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ एक इन्फॉर्मेटिव लेवल पर, नॉलेज लेवल पर कॉन्टेंट बना रहे हैं और आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं विद द नेम ऑफ TCB अगेन. तो मैक्सिमम हमारे वेंचर्स को हम TCB के नेम से लेके जा रहे हैं, TCB द चंडीगढ़ बाइट्स, TCB द क्यूरियस बैक वेंचर, द TCB द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल. तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, मेहनत लगती है और आप लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ भी करें तो फैक्ट्स के साथ करें और प्रॉपरली मेहनत के साथ करें.
इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टीम एज वेल, और टीम के साथ साथ पूरी सक्सेस को आगे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता। लेकिन आई एम फॉर्चुनेटली लकी कि मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली है जो सारा प्रोसेस और सारा का सारा हमारा सिस्टम ईजीली ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके चलती है। कई जगह तो मेरे को किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बिना मेरी इन्वॉल्वमेंट के काफ़ी कुछ रहता है। तो कुडोज टू द टीम एज वेल, थैंक्स टू द टीम एज वेल। तो चंडीगढ़ बाइट्स में जो भी कंटेंट जाता है वो कंटेंट बनने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत होती है कि क्या बनना है, कैसे होगा, रिसर्च पूरी टीम करती है, कुछ वीडियो बनना है या फीड का कंटेंट जाना है। तो रिसेंटली अभी हमने एक मॉल के लिए मार्केटिंग कैंपेन रेडी किया है जिस पर कर भी रहे हैं, ऑलरेडी जा भी चुका है। तो उस पर ये था कि हमें कैसे उनके इवेंट को प्रमोट करना है। टीम ने पहले उस इवेंट के ड्यूरेशन के जितने भी उनके पुराने सॉन्ग्स थे उसकी लिस्ट आउट निकाली, एक उसका एक सीक्वेंस रेडी किया, पूरे शहर में अलग अलग जगह जाके हमने शूट किया, पिक्स क्लिक की एंड देन फाइनली उसको भी एडिट किया, डाला और उसका रिस्पांस बहुत अमेजिंग आया। तो जो भी कंटेंट बनता है टीम पहले रिसर्च करती है, बिहाइंड द सीन पूरा काम होता है। कई बार वो चीज़ें रिजेक्ट भी होती हैं, कोई भी कंटेंट आपके सामने आता है वो 10 बार बनता है तब जाके एक फाइनल फ्रंट में आता है। पूरी टीम, वीडियो टीम देखती है क्या कंटेंट शूट होना है, किस एंगल से शूट होना है, जो कंटेंट क्रिएशन वाली टीम है वो कंटेंट पे ध्यान देती है, सारा कुछ ऐसे पूरा टीम वर्क के थ्रू बनता है। तो एज सच कोई मेरे स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है, मल्टीपल डिफरेंट लोग अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रोल मॉडल रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बट एक्सपीरियंस जो आपको चीज़ें सिखाता है वो सबसे बड़ा आपका खुद का एक आपके लिए ही रोल मॉडल होता है, आप उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आगे बढ़ते हैं। अ गुड लीडर इज़ वन हु सेट्स एग्जाम्पल, आप खुद वो एग्जाम्पल सेट करें एंड देन आगे उस चीज़ को फर्दर अगर टीम को करने को कहें तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। बिजनेस का बिगेस्ट रिस्क जो है वो खुद एक बिजनेस है, आप वो बिजनेस कर रहे हैं और मेरा फियर तो नहीं है बट मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी न्यू आइडिया है, हद से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो मैं किसी भी रिस्क कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरता, मेरा सिर्फ एक ही ये मानना है हद से ज़्यादा आपके या तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पैसा डूब जाएगा या फेल हो जाओगे, वो आपको सिखाता ही है। तो जो भी हमारा कंटेंट होता है उसमें हम हर बार एक फ्रेशनेस, एक नयापन लाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सेम चीज़ बार बार रिपीट हो तो ऑडियंस भी बोर हो जाती है, देखने वाले भी यू नो काइंड ऑफ उस चीज़ से इरिटेट होने लग जाते हैं। तो हर बार एक फ्रेशनेस लाने के लिए क्या चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, हमारी पूरी कोशिश वही रहती है कि वहाँ से हम कुछ अच्छी चीज़ें निकालें, उसको इम्प्लीमेंट करें और एक इंगेजिंग इंटरेक्टिव कंटेंट बनाए किसी भी चीज़ में, चाहे वो क्लाइंट के लिए हो, चाहे इन हाउस हो, हर चीज़ में। तो हर एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेस ओनर के लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तो आप फोकस होके किसी भी काम को, अपने किसी भी ब्रांड को एक नए लेवल पे लेके आ सकते हैं। अगर आप खुद ही फोकस नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी ऐसी सिचुएशन कभी आती है। तो उन सिचुएशन से खुद को अलग करने के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा एक डिसिप्लिन में रहूँ। अगर डिसिप्लिन है, स्ट्रेस होता है, हर किसी को होता है, इस चीज़ में कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक डिसिप्लिन में रहूं, स्ट्रेस के साथ साथ वो चीज़ें अपने आप फ्लो में होती रहेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं योगा करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, उनसे वायल अगर कभी टाइम लगता है तो होती हैं, बट जनरली मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ें करेंगी तो आपका वो स्ट्रेस भी टाइम के साथ साथ निकल जाएगा और आगे बढ़ेगा। वो चीज़ टीम पे ना जाए इसके लिए सबसे बेस्ट है आप में पेशेंस होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को पर्टिकुलरली डील कर पाओगे। तो मुझसे यंगस्टर बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आज के टाइम में यंगस्टर्स के पास आइडियाज़ बहुत हैं बट फंड्स की कमी होती है, और जिनके पास फंड्स हैं वो फंड्स देते नहीं हैं बिकॉज उनको जर्नी लोगों पे एकदम ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो आपको फंड से ज़्यादा फोकस करना है आपका जो रिसोर्सेज हैं, उतने ही रिसोर्सेज में जो भी आपका आइडिया है उस पर वर्क करना है। जब आप उस पर वर्क करोगे स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली वो सबके सामने खुद ब खुद आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोकस एक ही चीज़ पर हो, इस पर ना हो कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं बनते हैं, एकदम नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। जब आप कुछ बिल्ड करने में लगे रहोगे तो अपने आप चीज़ अपने आप बिल्ड हो जाएगी, बस इसका ध्यान रखना है आप।
तो सबसे पहले आपको अपना एक नीश डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप मल्टीपल नीश में एक साथ वर्क नहीं कर सकते। एक नीश डिफाइन करें, उस पर अपनी रिसर्च करें प्रॉपरली कि कैसे कंटेंट ऑथेंटिक है नहीं है, क्रॉस चेक करें प्रॉपरली, सब जगह देखें। लोग कंटेंट चोरी भी कर लेते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कोई आप पे ना कुछ क्लेम कर सकता है, ना कोई उसको, अगर कोई यूज़ भी करेगा तो आपको वो क्रेडिट जरूर देगा। तो वहाँ से भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस अकॉर्डिंग अपने कंटेंट की रिसर्च करके ही प्रॉपरली जेन्युइन वे में बनाएं और आगे बढ़ें। देखते रहो पंजाबी हिट्स।